ਉਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਅੰਕਲ ਬੜਾ ਬੜਾ ਉੜਦਾ ਆ ਬਟ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ ਮਾਜਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਯੋ ਦਿਲ ਕੀ ਪਤਨ ਕੋ ਕਾਟੇ तो हे गाइस कैसे हो सब। आई होप आप सब ठीक होगे। फिलहाल तो गाइस आज है 26 जनवरी, तो आपको मेरे और मेरे परिवार के साथ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। साथ के साथ आज गाइस आज है बसंत पंचमी। तो गाइस पिछले साल तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था, पर पतंगे और इतनी ज़्यादा उड़ाई थी और उसमें से काफ़ी सारी पतंगे बच भी गई थी और वो फिर ऐसी यूज़ कर दी, मतलब एक दिन यूज़ करी, फिर यार मूड तो बनता ही नहीं, आपको पता है इतना मैं उड़ाता भी नहीं पतंगे मैं। तो आज बसंत पंचमी है तो मैंने कहा यार आज के दिन कुछ थोड़ी सी पतंगे हो जाए, उड़ा लेते हैं। तो लवली को फ़ोन कर दिया था तो वो भी आ रहा है, तो लवली की छत पे जाएंगे पहली बात, वहाँ पे जाके पतंग उड़ाएंगे। तो चलते हैं पहले फटाफट पतंग लेने के लिए, मैं ज़्यादा पतंगे उड़ाने का शौक़ मेरे को है नहीं, उसको ज़्यादा शौक है। तो कुछ पैसे मैं पाता हूँ तो पतंगे ले आते हैं, और कुछ वो पाएगा तो वो ले आएगा पतंगे, और फिर इकट्ठे मिल के लवली की छत पर जाके उड़ाएंगे। तो और एक और चीज़ का आप सोचोगे, अरे हर बार जो ब्लॉगिंग की शुरुआत होती है यहीं से क्यों करता है, इस शीशे से, बिकॉज दादा ने ना इस शीशे के ऊपर ना लाइट लगाई हुई है उस करके, क्योंकि उससे जो चेहरे पे ना ग्लो अच्छा आता है, मतलब रोशनी बसती है ना, तो वीडियो क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बस इसी करके मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ अपनी वीडियो की। तो बस वीडियो की शुरुआत करते हैं, यहाँ से चलते हैं फटाफट लवली घर पर और उसके साथ जाएँगे फिर पतंग लेने के लिए। इस टाइम 1:15 हो चुके हैं और मैं जा रहा हूँ लवली घर, क्योंकि लवली के कम से कम 3 से 4 कॉल आ चुके हैं मेरे को, और अभी छत पे गया था, 2 पतंगे मेरे घर भी पड़ी है, बाकी पतंगे हम लेने जाएंगे यहाँ से घर से लवली के। तो मुझसे आड़ा वाला कितने था अंकल? बड़ा उड़ता आ बटा 40 रुपए का। इस टाइम 122 हो चुके हैं और इस टाइम मैं आ गया था लवली की छत पे पतंग उड़ाने के लिए। अच्छा क्योंकि यहीं से सही व्यू आता है ना सामने का, तो पतंगे तो काफ़ी ज़्यादा उड़ रही है और बस हम भी एक करके पतंग उड़ाने शुरू करेंगे। बाकी तो यार आज इतना कुछ क्रेज नहीं रहा पतंगों का, है ना। चल झूठा। तो पतंगों का इतना क्रेज नहीं रहा और नॉर्मल डोर है यार। झूठ बोलो। पता है आपको कि कांच वाली डोर या दूसरी डोरों से नहीं उड़ाना चाहिए, हाथ कट। बार बार झूठ बोलो। करने का डर होता है तो नॉर्मल डोर है उससे उड़ाएंगे। फिलहाल तो ये पतंगे पड़ी है, कुछ पतंगे हैं, एक बड़ी पतंग है, बाकी सारी छोटी पतंगे हैं। और बस भाई ये ले, इसको भी देख लो गाइस, इसको भी देख लो। रोड़ा पाया हुआ है, मेरे को भी दिखा दे। तो यहाँ पतंगे उड़ रही है, कोई एक सामने उड़ रही है, उधर उड़ रही है, एक वहाँ उड़ रही है सामने। और तो गाइस एक तो फोग बहुत हुई है। साथ के साथ गाइस आपने पिछला बसंत पंचमी का व्लॉग देखा था कि नहीं देखा था वो भी बताना, और भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग हुआ था, उसमें भी काफ़ी सारी पतंगे लेके आया था, बहुत सारी पतंगे उड़ाई भी थी हमने। यहाँ हमारी पतंग नहीं उड़ रही है, मतलब उड़ रही है पर पता नहीं क्या नीचे डूब जा रही है, पता नहीं क्यों। कहाँ गए बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। हमारी पहली पतंग का जो छोटा सा कांड हो चुका है, बेचारे के मुंह की वाली साइड से हड्डी टूट गई है गर्दन की। तो क्या नाचो मैं? ऑपरेशन थिएटर जा रहा है, बस टेप नहीं है। जुगाड़ी बंदे हम पूरे हैं, टेप नहीं मिली तो यहाँ से हल्का सा से पट्टा और इधर चिपका दिया। चिपक क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या मिशन कंप्लीट। लवली के हाथ में आती पतंग हट गया है। सही बात है। अभी तक के हमारे 2 पतंग कट चुके हैं और अभी हमारा कौन सा पतंग उड़ाने का है, कौन सा पतंग उड़ाएंगे, मतलब अब ये वाला देखते हैं पतंग। तो गाइस बड़े वाला पतंग है वो उड़ाना है, तो वो एंड में उड़ाएंगे, एंड के लिए रखा है वो वाला। बाकी तो ये छोटे छोटे पतंग है, ये वाले उड़ा लेंगे अभी। है
अच्छा ना अपना पतंगेरा और पतंग का पतंगेरा जो कट चुका है। अभी तक हमने पहला पतंग काट दिया है किशोर का, अब दूसरे पतंग की बारी है। बोरा ऊपर की साइड हमारा पतंग है और ये नीचे जोड़ रहा है वो किशोर का। देखते हैं यार किसका पतंग जल्दी कटेगा, पहले कटेगा सॉरी। अभी ये पतंग उड़ाया था, ये वाले की तो हालत हो चुकी है खराब, पर हम एक पतंग ये ले आए हैं इसके साथ लपेट के ले आए यार, साथ के साथ ये वाला पतंग एक्स्ट्रा आ गया। सही है चाक फिर तो भाई, उसके बदले ये वाली पतंग आ गई हमारे पास। तो फाइनली गाइस अब ये वाला पतंग उड़ाने लगे हम, तो फटाफट आते हैं वाला पतंग। फिलहाल तो गाइस टाइम 7:05 हो चुके हैं और इस वीडियो को यार एंड करता हूँ। तो वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, फॉलो मेरी इंस्टाग्राम आईडी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके फॉलो कर लो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।